हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉड नंबर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ आर इज द फ्रॉड नंबर फॉर अ फ्लो इन अ ट्राइंगुलर चैनल, the Froude number for the same velocity and the same depth of flow in rectangular channel will be option आपको given है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं Froude number। तो Froude number क्या होता है? Square root of inertia force upon gravity force होता है, ठीक है? और Froude number is equal to होता है, that is v upon under root gd। यहाँ पे जो d है, ठीक है? तो d क्या है यहाँ पे? Hydraulic depth है। और हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू होता है इट इज एरिया अपॉन टॉप विड्थ का रेशियो होता है, ठीक है? अब देखिए अगर ट्रायंगुलर चैनल की बात कर रहा है तो हम लोग ने सबसे पहले ट्रायंगुलर चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? हमने मान लिया साइड स्लोप क्या है, 1:2m है और इसके जो डेप्थ ऑफ फ्लो है हमने मान लिया इट इज y है, ठीक है? तो टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज 2m5, ठीक है? सो एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू 2my इंटू y इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज my स्क्वायर। और टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज 2my। तो आपका d इक्वल टू क्या है, a अपॉन t है, तो a अपॉन t, ठीक है? तो ये हो गया my स्क्वायर अपॉन दैट इज 2my और m और कैंसिल हो गया तो क्या होता है, और ये y स्क्वायर, ये y और y, ये आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचा, दैट इज y अपॉन 2, ठीक है? तो इसमें पुट करेंगे तो फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज v अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट, ठीक है? ये आपका आ गया ट्रायंगुलर का, ठीक है? अब देखिए अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर चैनल का। तो हमने मान लिया रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है? और इसकी हमने विड्थ मान लिया, हमने डेप्थ ऑफ फ्लो वाली मान लिया वाई मान लिया है और विड्थ ऑफ द चैनल हमने मान लिया इट इज कैपिटल बी, ठीक है? तो इस केस में एरिया कितना होगा, इट इज बी इंटू वाई और टॉप विड्थ कितनी होगी, वो बी के इक्वल होगी। तो अगर आपको हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना है, इट इज ए अपॉन टी, तो कितना होगा, इट इज बी वाई अपॉन बी, कैंसिल हो गया, इट इज वाई बचा आपका, ठीक? तो अब हम बात करते हैं फ्रॉड नंबर फॉर द रेक्टेंगुलर के लिए, तो क्या होता है, वी अपॉन अंडर रूट जी डी होता है और डी आपने निकाल लिया, इट इज वी अपॉन अंडर रूट डी, कितना आपको वाई है पुट कर दिया। अब देखिए वी अपॉन अंडर रूट जी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज यहाँ से अगर देखें तो क्या होगा, एफ आर अपॉन रूट टू होगा। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर वन से देखें तो क्या ले सकते हैं, इट इज एफ आर अपॉन रूट टू, ठीक है? तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल का फ्रॉड नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगुलर चैनल का फ्रॉड नंबर और अपॉन रूट टू के इक्वल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर इन अ सर्कुलर चैनल ऑफ द डायमीटर 2 मीटर फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑप्शन आपको गिवन है SSC जे 2017 का ही क्वेश्चन है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी की बात किया जा रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो किसके इक्वल है, सर्कुलर चैनल के लिए, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू होता है 0.81 इनटू डी के इक्वल होता है, ठीक है? तो 0.81 और डायमीटर कितना है, दैट इज 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1.62 मीटर, ठीक है? तो यहां करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चेजिस फॉर्मूला वी इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ सर्कुलर सीवर ऑफ द डायमीटर डी रनिंग फुल, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मेन रेडियस इज, ऑप्शन आपको गिवन है d/2, d/3, d/4, बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको बोला है कि सर्कुलर चैनल है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है और रनिंग फुल कर रहा है, ठीक है? So, हमको पता है कि आपको फाइंड क्या करना है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है, दैट इज एरिया अपॉन पेरिमीटर रेशियो होता है। तो एरिया क्या होगा इस केस में, दैट इज π/4 × d² पेरिमीटर क्या होगा, दैट इज π × d, पुट कर दीजिए आप, ठीक है? तो दैट इज π/4 × d²
होल अपॉन इट इज पाई डी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इट इज डी बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन एन ओपन चैनल फ्लो इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, द फ्लो इज कॉल्ड, ऑप्शन है क्रिटिकल फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांसक्यूल फ्लो, टोरेंशियल फ्लो। बीपीएससी 8 2012 का ही क्वेश्चन है। देखिए डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल डेप्थ के, हमें क्रिटिकल डेप्थ को वाई सी से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्रॉड नंबर जो होगा वो लेस देन वन होगा। अगर फ्रॉड नंबर लेस देन वन है तो फ्लो क्या होगा, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो होगा। अगर सब क्रिटिकल फ्लो कर सकते हैं या तो आपको ट्रांसक्यूल फ्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वन है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एंड फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन वन है तो उसको बोलते हैं दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो, ये आपको इसको बोलते हैं टोरेंशियल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन अगर देखिए टर्बुलेंट फ्लो भी है तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होता है, ओपन चैनल के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए। ठीक है, सो यहां पे बोला है कि डेप्थ ऑफ फ्लो डेप्थ ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, इस केस में क्या होगा कि आपकी जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू है वो लेस देन वन होगी। अगर लेस देन वन है तो फ्लो आपका कैसा होगा, क्रिटिकल फ्लो होगा या टॉन्सिल फ्लो होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पैसेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, ऑप्शन है पाइप फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। SSJ 2014 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन है बोला गया है कि वाटर जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, पैसेज थ्रू अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू जो है वाटर फ्लो कर रहा है, तो इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल इज जनरली मेजर्ड बाय, ऑप्शन वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, मैनोमीटर एंड वेंचुरी फ्लो। यूपीपीएससी 8 2011 का ही क्वेश्चन है। देखिए वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज को मेजर करता है, ठीक है, बट ये पाइप फ्लो के लिए होता है। ठीक है, और ये जो आपका मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर किसके लिए मेजर करने के लिए होता है, फॉर द प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। वेंचुरी फ्लो जो है डिस्चार्ज करने के लिए मेजर होता है, बट ये किसके लिए होता है, फॉर द ओपन चैनल के लिए होता है। ठीक है, डिस्चार्ज को मेजर करता है बट किसके लिए होता है, ये होता है फॉर ओपन चैनल फ्लो के लिए होता है। ठीक है, और ये आपका पाइप फ्लो के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो थ्रू अ वेंचुरी फ्लो इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ थ्रोट इज, ऑप्शन है हाफ, टू बाय थर्ड, वन बाय थर्ड, टू बाय थर्ड इक्वल टू एनर्जी ऑफ फ्लो। ठीक है, देखिए मान लिया ये फ्लो हो रहा है स्टेप से, थ्रोट पे स्टेप से आता है। ठीक है, तो ये जो डेप्थ होती है कितनी है, डेट इज वाई होती है, वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मगर इस क्वेश्चन में बोला गया कि थ्रोट पे कितनी डेप्थ ऑफ वाटर होगी, तो कितनी होगी, इट इज 2/3 होगी। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, इट इज 2/3, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर फ्लो फुल्ली थ्रू द रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ लेटरल डायमेंशन 4 मीटर × 3 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीटर पर सेकेंड थ्रू द चैनल, इफ द स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन एंड चेंजेस कांस्टेंट इज गिवन एज 0.006 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। 2018 SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चेंजेस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वी अपॉन अंडर रूट RS होता है। ठीक है, आपको बोला गया रेक्टेंगुलर चैनल है, आप रेक्टेंगुलर चैनल ड्रॉ कर लीजिए। इसकी विड्थ 4 मीटर गिवन है, डेप्थ कितनी गिवन है, दैट इज 3 मीटर गिवन है। ठीक, आपको पहले आर निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया कितना आ गया, दैट इज 4 × 3, पेरीमीटर कितना आ गया, दैट इज 4 + 2 × 3, कितना आ गया, 4 × 3 = 12 अपॉन ये 10 हो गया। ठीक है, सी आपको गिवन है कितना है, 90 है, और R कितना गिवन है, सॉरी S कितना गिवन है, दैट इज 0.0006। पुट करते हैं वैल्यू, वेलोसिटी निकल जाएगी, तो क्या होगा, दैट इज 90 × √2L/10 × 0.0006। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.4 m/s वेलोसिटी आ जाएगी। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन इज ऑप्शन है ऑलवेज अबव द सेंटर ऑफ द लाइन पाइप नेवर अबव द एनर्जी ग्रेट लाइन ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑल ऑफ द अबव एसएससी जेई 2004 के क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन क्या होती है कि इट इज अ लाइन विच विल गिव सम ऑफ द प्रेशर हेड पोटेंशियल हेड ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप विद रेस्पेक्ट टू असम रेफरेंस लाइन। ठीक है मतलब क्या है कि अगर HGL की बात करेंगे तो कितना होगा इट इज प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड दैट इज जेड। ठीक है अगर आप टोटल एनर्जी लाइन की बात करेंगे तो ये कितना होता है दैट इज पी अपॉन गामा प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी। वी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या है दैट इज काइनेटिक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन जो है वो कभी भी टोटल ग्रेट लाइन से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा दैट इज ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा नेवर अबव द एनर्जी ग्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी लाइन ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय अमाउंट इक्वल टू ऑप्शन आपको गिवन है एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है। देखिए अब ये बताया है कि हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन क्या होता है दैट इज पी अपॉन जेड प्लस पी अपॉन गामा प्लस जेड मतलब क्या है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का सम होता है एंड टोटल ग्रेडियंट लाइन क्या होती है दैट इज प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। अब आप देखिए दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कितना आएगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 2g का ही आएगा। ठीक है तो द टोटल एनर्जी लाइन ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन बाय अमाउंट कितने अमाउंट होगा इक्वल टू होगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 2g के होगा या इसको बोल सकते हैं दैट इज वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है तो यहां करेक्ट आंसर क्या आएगा दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ओपन चैनल मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स ऑप्शन जस्ट बिलो द सरफेस एट द सरफेस नियर द बॉटम इन द मिड डेप्थ ऑफ फ्लो एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर ओपन चैनल की बात करें तो कहां पे होती है जस्ट बिलो द सरफेस फ्री सरफेस पे होती है। ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनल पैरामीटर ऑप्शन है चेंजेस कोएफिशिएंट डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर प्रॉट नंबर मैच नंबर। सो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि चेंजेस कोफिशिएंट की जो डायमेंशन होती है कितना होती है दैट इज एल के पावर 1/2 टी के पावर -1। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है प्रॉट नंबर है ये मैच नंबर है। देखिए ये नंबर जो है प्रॉट नंबर मैच नंबर ये डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। ठीक है तो इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है तो डायमेंशन भी कोई नहीं होगी और फ्रिक्शन फैक्टर भी डायमेंशनलेस नंबर है। तो यहाँ पे बोला गया Not a dimensional parameter. तो dimensional parameter कौन क्यों नहीं है friction factor भी है ठीक है आपका Frode number भी है और Mach number भी है तो इसके इसमें जो correct answer होगा वो option होगा BCD होगा। ठीक है So यहाँ correct answer क्या होगा that is BCD. Next question है the hydraulic radius and the cross sectional area of a channel is given by 4.5 meter and 18.5 square meter respectively. What is the weighted perimeter of the channel? ऑप्शन आपको गिवन है एसएससी जेई 2017 में क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रोलिक रेडियस कितना गिवन है 4.5 मीटर गिवन है पैरामीटर कितना गिवन है आपका सॉरी एरिया कितना गिवन है एरिया आपका गिवन है 18.5 मीटर स्क्वायर गिवन है आपको पैरामीटर पूछ रहा है तो क्या होता है आर इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन पी होता है पुट कर दिया जाएगा तो पी इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन आर हो जाएगा एरिया कितना है 18.5 और पैरामीटर 4.5 इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.11। ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मैच नंबर इज मोर देन द 6 द फ्लो इज कॉल्ड एज ऑप्शन आपको गिवन है यूपीपीएससी ए 2007 का ही क्वेश्चन है। देखिए अगर मैच नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो फ्लो आपका सबसोनिक होता है। ठीक है सबसोनिक फ्लो होता है मैच नंबर की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो उसकी फ्लो बोलते हैं सोनिक फ्लो बोलते हैं। अगर मैच नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसको बोलते हैं सुपर सोनिक फ्लो और मैच नंबर की वैल्यू मोर देन 6 होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।